हे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बैकग्राउंड को फुल रिटच कैसे किया जाता है और अपने बैकग्राउंड में सोशल मीडिया का PNG कैसे ऐड किया जाता है नए ट्रिक से। तो आप वीडियो को फुल देखिए बिना स्किप किए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना फ़ोटो को सबसे पहले तो इस तरह गैलरी से शेयर कर लीजिएगा स्नैपसीड ऐप में। देखिए स्नैपसीड ऐप में फ़ोटो ओपन करेंगे तो हल्का टाइम लेगा। तो देखिए पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और डिटेल में और स्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे और शार्पनिंग को भी बढ़ा लेंगे और डन कर लेंगे। और फिर से पेंसिल वाले में और ट्यून में जाएंगे और अमिनियस बढ़ा लेंगे और हाईलाइट माइनस करेंगे और देखिए शैडो बढ़ाएंगे और हाईलाइट को माइनस कर लेंगे और वार्मथ को देखिए माइनस करेंगे और डन कर लेंगे। और देखिए फिर से पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और सेलेक्टिव को लेंगे और देखिए जहां आपको लगे ब्लैक है वहां ब्राइटनेस दे दीजिएगा इस तरह जैसे हम दे रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे और ब्राइटनेस को भी बढ़ा लेंगे और फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो देखिए फिर से इसी तरह जैसे हम शेयर कर रहे हैं फ़ोटो को देखिए लाइटरूम ऐप में, तो इसी तरह आप भी लाइटरूम ऐप में शेयर कर लीजिएगा फ़ोटो। तो देखिए आगे लाइटरूम में, तो लाइट में क्लिक करेंगे और हाईलाइट को माइनस करेंगे पूरा 100% और शैडो को बढ़ाएंगे। देखिए शैडो को बढ़ाएंगे और वाइट को माइनस करेंगे और ब्लैक को भी माइनस करेंगे। और देखिए जाएंगे कलर में और वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे और सेचुरेशन माइनस करेंगे और जाएंगे मिक्स में और ऑरेंज का सेचुरेशन माइनस और ल्यूमिनियस को बढ़ाएंगे देखिए, और ग्रीन का सेचुरेशन बढ़ाएंगे और ह्यू को देखिए माइनस करेंगे और देखिए ल्यूमिनियस को बढ़ा लेंगे और देखिए येलो का सेचुरेशन बढ़ाएंगे और ह्यू को देखिए बढ़ा लेंगे हल्का और देखिए ल्यूमिनियस को माइनस कर लेंगे और ब्लू का सेचुरेशन बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ाएंगे नहीं कम करेंगे और देखिए इसका ह्यू को माइनस कर लेंगे और देखिए ल्यूमिनियस को भी माइनस कर लेंगे और जाएंगे देखिए रेड में और सेचुरेशन बढ़ाएंगे और ल्यूमिनियस को भी बढ़ाएंगे और डन कर लेंगे और जाएंगे इफेक्ट में और टेक्चर बढ़ा लेंगे और क्लेरिटी को भी बढ़ा लेंगे और देखिए डिहाइज को माइनस करेंगे और देखिए विकनाइट को कम करेंगे, देखिए मिडनाइट को भी हल्का कम करेंगे और देखिए फेदर को देखिए मिडनाइट को पूरा कम कर लेंगे और देखिए राउंडनेस को भी हल्का कम कर लेंगे और शार्पनिंग बढ़ा लेंगे डिटेल में जाके देखिए और कलर नॉइस रिडक्शन को हल्का बढ़ाएंगे और स्मूथनेस को पूरा देखिए और देखिए फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो आप वीडियो को फुल देखिए, अभी तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ है। तो देखिए आप फ़ोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क में, तो देखिए यहाँ ऑटोडेस्क में आ चुका है फ़ोटो, इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और देखिए ब्रश में आके ये वाला ब्रश लेंगे और देखिए सेटिंग इसका रखेंगे साइज अपने हिसाब से और फ्लो को 1 और स्ट्रेंथ को 2, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट मार सकते हैं। देखिए इस तरह फ़ोटो को पूरा जूम करेंगे और इस तरह से ब्रश करेंगे तो देखिए कितना हैवी हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो आप वीडियो को फुल देखिए तभी आप पूरा बैकग्राउंड को रिटच कर पाइएगा। तो अभी तो बैकग्राउंड सिर्फ सिंपल बना है, अभी और वीडियो बाकी है। आप वीडियो फुल देखिएगा तो पक्का आप रिटच कर सकेंगे फ़ोटो। तो देखिए इस तरह स्मूथ कर लेते हैं फेस को जल्दी जल्दी से। तो देखिए पूरा फेस और हैंड को स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए इसको मर्ज कर लेंगे और फ़ोटो को सेव कर लेंगे। देखिए आप फेस स्मूथ कर लीजिएगा अच्छा से एकदम धीरे धीरे से। देखिए ग्रेरी में गया फ़ोटो, अब इसको फिर से शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो देखिए स्नैपसीड में आने के बाद पेंसिल वाले पर क्लिक करेंगे और सेलेक्टिव को लेंगे और इस तरह देखिए जहाँ ब्लैक है फेस पर वहाँ स्ट्रक्चर कम कर लेंगे और ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे इस तरह और डन कर लेंगे। देखिए फिर से ट्यून इमेज में जाएंगे और अमिनियस को बढ़ा लेंगे, देखिए लगभग 50 के आसपास हाईलाइट माइनस करेंगे और शैडो को भी देखिए शैडो को भी हल्का माइनस कर लेते हैं और देखिए शैडो को देख लेते हैं बढ़ा देते हैं और विंथ को
देखिए हल्का प्लस कर लेते हैं, और देखिए फिर से पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर को हल्का माइनस कर लेंगे और शार्पनिंग बढ़ा लेंगे और डन कर लेंगे। और देखिए फ़ोटो को फिर से शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप में, तो अभी आप वीडियो को फुल देखिए तभी आप बैकग्राउंड रिटच कर पाइएगा। तो देखिए कलर में जाके, मिक्स में जाके और ग्रीन का सैचुरेशन बढ़ा लेंगे और लुमिनस को भी, और ह्यू को देखिए माइनस कर लेंगे, और देखिए येलो का सैचुरेशन बढ़ाएंगे देखिए, और ह्यू को माइनस करेंगे। देखिए इधर करेंगे तो पूरा रेड होगा, देखिए हल्का सा माइनस करेंगे, और देखिए ऑरेंज का सैचुरेशन माइनस करेंगे, लुमिनस को बढ़ाएंगे, और देखिए ह्यू को इधर रखेंगे और रेड का सैचुरेशन बढ़ाएंगे और लुमिनस को बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड कितना मस्त रिटैच हो चुका है। देखिए ब्लू कलर का आप देख अपना सेट के हिसाब से किधर भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त हमारा बैकग्राउंड रिटैच हो चुका है। तो आप वीडियो को फुल देखिए, देखिए वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन माइनस कर लेंगे देखिए, और जाएंगे इफेक्ट में और टेक्चर माइनस कर लेंगे देखिए, और देखिए क्लैरिटी को हल्का बढ़ा लेंगे देखिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मिड पॉइंट को माइनस कर लेंगे और फेदर को बढ़ा लेंगे, और देखिए राउडनेस को बढ़ा लेंगे देखिए, और कंट्रास्ट को लाइट में जाके कंट्रास्ट को कम कर लीजिएगा और हाईलाइट को भी कम कर लीजिएगा और शैडो को बढ़ा लीजिएगा देखिए लगभग 70 के आसपास, और वाइट को माइनस करेंगे और ब्लैक को भी माइनस करेंगे देखिए, ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे 20%, और देखिए कंट्रास्ट को -15 रखेंगे और एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे 20%, और देखिए फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो देखिए फ़ोटो सेव हो रहा है, तो देखिए फिर से ग्लेरी से फ़ोटो को ऐप शेयर करना है लास्ट टूलविज ऐप में सोशल मीडिया का PNG ऐड करने के लिए। तो देखिए टूल्स पे क्लिक करके लेयर में क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ ऊपर इमेज वाला और प्लस लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और ग्लेरी से ले लेंगे सोशल मीडिया का PNG। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा इजी से। तो देखिए इसको अच्छा से रोटेट करके अच्छा से एडजस्ट करके बैठा देंगे बैकग्राउंड में। तो देखिए इसको चाहे तो आप अच्छा से बैठा बैठा के देख सकते हैं कैसा अच्छा लगेगा। देखिए हम डन कर लिए, हमको इसी तरह अच्छा लग रहा है। देखिए आप जाएंगे इफेक्ट में और हेयर में हल्का ऑयल पेंट दे देंगे, तो आप चाहे तो ऑयल पेंट दे सकते हैं अपना फ़ोटो में। तो देखिए हम दे रहे हैं, देखिए तीसरा नंबर वाला सिलेक्ट करेंगे और क्लीन करेंगे और अप्लाई में जाके हेयर में कलर कर लेंगे, और देखिए जहाँ ज़्यादा हो जाता है वहाँ इरेजर ब्रश की मदद से इरेज कर सकते हैं। तो देखिए डन कर लेंगे, देखिए फिर से इफेक्ट में जाएंगे और सॉफ्ट स्मच में और दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इसका ओपासिटी माइनस करेंगे हल्का, और देखिए मास्क पे क्लिक करेंगे और इरेजर में ही रहने देंगे और लिप में हल्का इरेज कर लेंगे और नॉइस में भी, यानी कि नाक में भी और आँख में भी इस तरह इरेज कर लेंगे, और देखिए इस तरह फ़ोटो को चूम कर लेंगे और देखिए डन कर लेंगे, देखिए डन कर लेंगे हल्का टाइम लेगा। तो देखिए डन हो गया, तो अब फ़ोटो को लास्ट सेव कर लेंगे। तो वीडियो आप यहाँ तक देखें तो दिल से धन्यवाद, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।